Hello children, welcome back to Hindi class. Today we will discuss about chapter 4, Sarfaroshi ki Tamanna. We will start our chapter with a mind map. In this chapter we will be learning about Lekhak Parichay, author introduction, Swatantra Senani, freedom fighters, Krantikari Dilon ki Josh, revolutionary hearts, Kakori Kand, Kakori incident, माउथ से पहले हंसते आंख, आईज दैट आर नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑथर. ही इज अवर ऑथर मन्मथनाथ गुप्त. प्रसिद्ध क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था. 13 की उम्र में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे. आत्मकथा सहित अनेक पुस्तकें लिखी. प्रकाशन विभाग भारत सरकार की पत्रिका आजकल के संपादक रहे. इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गांधी और उनका समय, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि. 26 अक्टूबर 2000 को इनका स्वर्गवास हो गया. फेमस रेवोल्यूशनरी मन्मथनाथ गुप्ता वॉज बॉर्न ऑन फेब्रवरी 7, 1908. ही जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट एट द एज ऑफ 13. ही रोट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी. ही वॉज द एडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैगजीन आजकल. ही हैज़ रिटन मैनी फेमस बुक्स लाइक गांधी और उनका समय, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि. ही पास्ड अवे ऑन 26 अक्टूबर 2000. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी विल हैव अ लुक अबाउट रेवोल्यूशनरीज हु सैक्रिफाइज्ड देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री. दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर मन्मथनाथ गुप्त, हु इज आवर राइटर. Many revolutionaries were caught in Kakori incident. Ram Prasad Bismil, Rajendranath Lahiri, Roshan Singh were sentenced to death. These memories exposed the mindset of freedom fighters on the day of their execution. यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था. उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए. कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया. जेलर अब्दुल सवेरे ही आट अटा. मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमें पता लग चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहां है. आज वह जेलर था और हम कैदी. रोज की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए. जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया. सब उसके चारों ओर बैठ गए. कुछ को जगह भी ना मिली. हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए. हम सबने अच्छे कपड़े पहने. हल्दी घाटी के राजपूत भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहन कर गए थे. ठाकुर रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया. बंदूकों और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे. हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए. अदालत के बाहर भारी भीड़ थी. सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गाना जोश से गा रहे थे. चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी. जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया. जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है. एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई. अंत में सुनाई फांसी हमारे तीन साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी
और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी, बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर।